संतोष नहाके और मेरी स्टूडियो चैनल संतोष नहाके आपका स्वागत है। तो अभी हमने क्या स्टेशन में आए हैं, आमगांव के स्टेशन में, और मेरी ये भांजी है, ये भांजी और ये बड़ी भांजी है, ये अभी दुर्ग में वापस जा रहे हैं, दो तीन दिन पहले आए थे, ये थोड़ा काम था। तो ये देखो इसको ये पढ़ती नहीं है क्योंकि स्कूल नहीं जाती है अभी और ये बड़ी का पेपर है, ओके। हाँ, ये ऐसा है ये। तो अब देखिए स्टेशन शाम के समय में कैसा स्टेशन दिखता है ये। ये देखिए यहाँ पर समय जो हुआ है, ये रात का अंधेरा है अभी, नाइट। तो इधर दुर्ग है, हाँ ये दुर्ग का रास्ता है। शाम के समय में बहुत अच्छा लगता है स्टेशन में। हाँ, तो जब मैं छोटा था ना तो यहाँ पर मतलब ये जितनी भी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर पहले पेड़ हुआ करते थे, पेड़। तो अब ये इधर है गोंदिया रेलवे स्टेशन इधर में। तो शाम के समय में यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है और अंधेरा भी है इधर में, बहुत मतलब अभी क्या है, इतवारी से दुर्ग जाने वाली जो लोकल है उसके ये पैसेंजर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये है मेरी भांजी, दोनों बाय बाय बोल रहे हैं। तो अभी मैंने देखा यहाँ बोर्ड पर तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो डाउन इतवारी से दुर्ग, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और याद भी कर लीजिए आपको अगर कहीं पे जाना होगा तो। ये लोकल है और प्लेटफॉर्म तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ पानी की व्यवस्था, शीतल जल। ये देखिए शीतल जल है यहाँ पर, मतलब अब ये शीतल जल जो है यहाँ पर गर्मी में यहाँ पर बहुत अच्छा ठंडा पानी मिलता है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे दो नल है और मैं आपको दिखाता हूँ एक जो है तो ये है वेटिंग रूम। क्या लिखा है यहाँ पर, द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय, द्वितीय श्रेणी है यहाँ पर। तो जब हम नागपुर में रहते थे तो हम यहाँ पे हम अपने गांव में जाते थे, इधर यहाँ पे रुकते थे फिर, और रात भर हम यहाँ पे आराम करके हम अपने गांव में जाते थे, बहुत अच्छा लगता था पहले। तो पैसेंजर बहुत सारे हैं यहाँ पर। हाँ चलो, अब ये देखो ये रेसुब जो है, रेसुब का मतलब होता है रेलवे सुरक्षा बल कक्ष है यहाँ पे, आरपीएफ जो है। हाँ, आरपीएफ लोगों का ये मतलब यहाँ पे रेस आराम करते। तो ऐसा है ये आमगांव का रेलवे स्टेशन। तो देखो ये ट्रेन आ रही है इधर में, इधर आ जाओ तुम मत। ये है मालगाड़ी एक आ रही इधर से। खाना नहीं खाया पर त्रास आता है,